भृगु मंदिर के बगल में आप देख सकते हैं कि बाउंड्री के सटा हुआ ये श्री चित्रगुप्त भगवान जी यानी चित्रगुप्त श्री महाराज जी का ये मंदिर। मंदिर के अंदर जो प्रतिमा आप देख रहे हैं या कायस समाज के लोग और अदर समाज के लोग तमाम लोग खासतौर पे हिंदू समाज के लोग यहाँ आके पूजन करते हैं। सामने जो देख रहे हैं भृगु जी का मंदिर है और बगल में भगवान चित्रगुप्त जी महाराज का मंदिर जो आप अभी देखे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भी रहे हैं, खासतौर पर इसी एरिया के रहे हैं और आप हमेशा हर नवरात्र में हर दुर्गा पूजा में आप इसी भृगु मंदिर परिसर में जो बगल में स्टेज सस्ता है दुर्गा जी की आप प्रतिमा स्थापित करते हैं, एक बतौर मतलब एक अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो आप मंदिर में कब से लगाव रखते हैं? तो जब से हम लोग पैदा हुए तभी से मंदिर के लगाव रखते हैं। जी जी, छोटे थे तो हम लोग के माता पिता यहाँ मंदिर में लेके आते थे पूजा अर्चन करने के लिए। हम लोग रामलीला देखने हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो ईटा 2 बजे दिन से ही लग जाते थे हम लोग। रामलीला कहाँ देखते? चलिए बताइए। रामलीला पुराने वाले अच्छा अच्छा हो गया, पहले बहुत नीचे था। अच्छा अच्छा, 4-5 सीढ़ी नीचे था पहले। अच्छा अच्छा, तो हम लोग शाम से ही। अच्छा, ये आप इस समय कहाँ पे हैं? आप भृगु जी मंदिर में हैं। ये मुख्य द्वार है? जी मुख्य द्वार है। अच्छा, अंदर भृगु जी हैं। अच्छा 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 अंदर। अच्छा अच्छा, यहाँ भी बचपन से ही आते हैं आप? जी जी, यही पैदाई से हम लोग। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये भृगु जी हो गए। अच्छा, तो आप उस जहाँ दुर्गा पूजा स्थापित करते तो पंडाल कहाँ सजाते हैं? जी अच्छा, बाबा भी साथ ही में आपके। अच्छा, ये आपका क्या है संगठन का नाम? श्री भृगु जी नव युवक मंगल दल बलिया। अच्छा, 1983 से आप यहाँ प्रतिमा स्थापित करते हैं? यही वो स्टेज है जहाँ दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित? तो बचपन में रामलीला देखने कहाँ आते थे? यही हम लोग नीचे, ये 4 सीढ़ी नीचे था ये। अच्छा, बराबर में हो गया। कहाँ है रामलीला स्टेज? चलिए चलते हैं। यही रामलीला स्टेज है। अच्छा, पहले पुराना रामलीला स्टेज यही है? अब कहाँ होता है रामलीला? अब रामलीला स्टेज सामने सामने। अच्छा अच्छा, मतलब आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारी उम्र 49 साल है। तो 49 साल का ये सफ़र है आपका, इस दह मतलब 49 साल बचपन ही बीता, रामलीला भी देखे, अब जब से जवानी संभाले तो दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के बाद पूजा पाठ में लग गए, राजनीति में आ गए, तो आगे का क्या है आपका राजनीति का फंडा? अब आगे वही है, अब जो देखा जाए भृगु बाबा क्या आशीर्वाद देते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे तो तैयारी चेयरमैन की है, लेकिन हाँ जी जी, देखिए आगे क्या होता है। मतलब फिर इस बार भी आप फोकस में रहेंगे राजनीति के क्षेत्र में और चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में आप हैं? जी जी जी। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, हमसे बात किए, ईश्वर करे कि आप सफलता के सीढ़ी पर चढ़ें, मेरी शुभकामना है। नमस्कार।